तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने बीस्ट इन बियर्ड चैनल पे। एक नया धमाकेदार व्लॉग आने वाला है, कोई मेहमान आने वाले हैं और जिनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था उनके साथ वर्कआउट करने के लिए। और उनके नीचे वर्कआउट करने के लिए भाई काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए, काफ़ी स्टैमिना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपना पहले ही प्री वर्कआउट ले रहा हूँ। तो प्री वर्कआउट लेके उसके बाद रेडी होते हैं और आगे आप भी वीडियो पे बने रहिए। आगे कौन आते हैं, क्या आते हैं और कैसी वर्कआउट रहती है आगे आपको पता चलेगा, और कितना मेरा बैंड बजता है वो भी आपको पता चलेगा। तो बने रहिए वीडियो पे, स्किप करना मत। काफ़ी कुछ आपको टिप्स वगैरह मिलेगी बीच में वर्कआउट के प्रति और डाइट के प्रति, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरी देखो और बने रहो वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। अच्छा, बड़ी तारीफ सुनी है मैंने तुम्हारी, पहले आपकी तारीफ करते भाई। ये एक्चुअली ये बैंगलोर का ये यहाँ की परंपरा है और इन्होंने जो प्रॉमिस किया है ना, अभी हमारे पास 4 महीने उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम बिग फिट न्यू दिल्ली, तो उसके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है। सारी चीज़ें काफ़ी इंप्रूवमेंट है, काफ़ी चेंज है। आज मैं बैंगलोर आया हूँ इनके पास, इनके लिए कुछ धमाका करेंगे, देखते हैं। इन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई है, इन्होंने बोला है प्रॉमिस कि सर मैं धमाका करूँगा, तो देखते हैं। और बैंगलोर इज़ अ नाइस सिटी, बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सुपर अमेजिंग। तो हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम आगे, बताता हूँ कितने बैंड बजने वाले। आज मैं बैंगलोर आया हूँ और स्पेशली मैं इन्हीं के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो मेन चीज़ है हमारा जो वर्कआउट है ना, एज अ चेस्ट वर्कआउट है। और वो चेस्ट वर्कआउट जैसे हमारी मसल में, आप एक चीज़ देखिए, एंड एक्स्ट्रा फैट मसल में, फैट है अभी थोड़ा फैटी मसल है, तो हमें उसे कैसे रिकवर करना है। एंड द वर्कआउट इज़ अ चेंज एंड द ऑल्टरनेट वर्कआउट, रेपिटेशन कितने होने चाहिए, बॉडी में शेप किस तरीके की आएगी। तो इनको हम चेस्ट वर्कआउट कराएंगे और वर्कआउट होगा अमेजिंग, वो इन्हीं से कंफर्म करेंगे। अभी पहले इनसे पूछ लेते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, अभी वर्कआउट स्टार्ट होगा आपका? नहीं गुरुजी, अब वर्कआउट स्टार्ट करवाने पहले, उससे पहले पसीना छूट रहा है, पता नहीं कैसी वर्कआउट होगी। आप मेरे से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है मैं यहाँ आया हूँ आपको वर्कआउट कराने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डली विक्टर, हार्डली दिल से वेलकम सर, थैंक यू। मैं एक्चुअली पहली बार तुमको देख रहा हूँ सर, मतलब इंस्टा में देखता, स्क्रॉल पे देखता। अच्छा, आप इंस्टा वगैरह पे देखते हैं। तो मेन चीज़ है हम जो गेम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा बिग फिट। 4 महीने है और 4 महीने के अकॉर्डिंग हम इनकी फॉर्म दिखाएंगे, और डिफरेंट फॉर्म 4 महीने के बाद आपको जो मिलेगी ना, तो आप खुद कहेंगे इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी तैयारी की है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनको लेके चलेंगे। जस्ट वर्कआउट होगा, अमेजिंग वर्कआउट होगा। कुछ इनसे डाइट प्लान भी शेयर करेंगे, किस तरीके से डाइट इनकी चल रही है और क्या क्या मील में कितनी मील चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग से इवनिंग तक 6 मील होनी चाहिए, तो मील में कितना प्रोटीन है। दूसरी बात, ये वेज है, वो कहते हैं ना वेज एक अच्छा एथलीट नहीं बन सकता, बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेज में एक अच्छा एथलीट बनता है और वो स्टेज पे 100% देता है। तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और ये फर्स्ट टाइम मेरे पास जब आए तो बड़े मायूस थे, लेकिन ये खुश हैं। आपको कैसा लगा मेरे पास ट्रेनिंग करके? मुझे गुरुजी के पास जाने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। पहले 0 मसल्स हो गया था बॉडी में वेट लॉस के टाइम पे, तो वापस मसल गेनिंग वगैरह की ट्रेनिंग चल रही है गुरुजी के पास, और पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि भाई जो हो सकता है इन्हीं के पास हो सकता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ क्या पता क्या, अगर यहाँ के कोच हो या कहीं के भी हो, कोच अगर ये बोल देता ना आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया इनका। इन्होंने सोचा कि अब धमाका करना है, तो करते हैं धमाका, चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। कमाओ, चलो पहला जो एपिसोड है और उसमें जो हमारा वर्कआउट है चेस्ट का वर्कआउट है, और चेस्ट एंड केबल क्रॉस। तो केबल क्रॉस में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, किस तरीके से करने, तो हम चेंज करेंगे थोड़ा सा वर्कआउट। आप आगे आइए, ओके, और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए। आप इसमें पूरा पर्टिकुलर देखेंगे इनका मूवमेंट क्या चल रहा है, पैर क्या चल रहा है, एक पैर आगे रखेंगे हम, ओके, स्टार्ट केबल क्रॉस स्टार्ट। ये हम 12 रैप निकालेंगे, यस कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द लास्ट 2 मोर, यस कंटिन्यू, 1 2 एंड एक कदम आप पीछे जाएंगे, एक कदम पीछे जाएंगे, कंटिन्यू। 18 रैप निकालेंगे, 1 2 3 4 16
17, 18, एंड द लास्ट वन मोर, पीछे पैर करेंगे, आप निकालेंगे 12 रेप, 1, कम ऑन, कंटिन्यू, 1, 2, 3, 4, 10, लास्ट 3, 1, यस कम ऑन, 2, एंड द लास्ट वन मोर, 3, अभी हमने जो पर्टिकुलर केबल कोर्स का सेट लिया, एंड द मसल एंड द स्ट्रेचिंग, हम मसल को स्ट्रेच करेंगे, आप जब हम मसल्स करेंगे तो हार्डनेस एंड द बॉडी के अंदर हार्डनेस नजर आएगी, जो जो मसल्स थोड़ा डाउन है अगर ये वर्कआउट करके स्ट्रेचिंग करेंगे तो पूरा मसल में देखो कितना अच्छा पंप आया। आपको पहला सेट किया कैसा लगा? भर गया। लेकिन इसका ऑल्टरनेट वर्कआउट होगा रिवर्स एंड बटरफ्लाई, तो ऑल्टरनेट वर्कआउट करेंगे तो मसल जो एस्ट्रा फैट है वो कवर होगा, किस तरीके से होगा आप इस वीडियो में आप कंटिन्यू देख ही रहे हैं। बटरफ्लाई, 1, 2, 3, 4, लास्ट वन मोर, 5। अब हमारी अभी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है और जो हम वर्कआउट करने वाले हैं वो ओनली फॉर केबल क्रॉस वर्कआउट होगा, ना उसमें फ्लैट बेंच होगी, ना इंक्लाइन बेंच होगी, ना प्लोवर होंगे, ना डंबल प्रेस होंगे। तो हमने एक वर्कआउट कंप्लीट कर चुके हैं तीन तीन एक्सरसाइज का, अब हम दूसरी एक्सरसाइज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें देखिए हमारा मूवमेंट क्या है, किस तरीके से हम केबल क्रॉस कर रहे हैं। हम इसमें हम 3 से 4 प्लेट लगाएंगे, ठीक है, 4 प्लेट हमने लगा ली है, 4 प्लेट, आप इधर आ जी, आप आइए, चलो पकड़िए, क्योंकि अभी जो हमने केबल क्रॉस किया है वो हमने डाउन केबल क्रॉस किया है। अब हम जो करेंगे इनर आउटर चेस्ट के लिए कर रहे हैं, हम आप सीधे खड़े होंगे, केबल क्रॉस एंड द मूवमेंट चेंज, इसके अंदर जो मूवमेंट रहेगा ये 1, 2, कम ऑन, 3, 4, 5, पीछे 6, इसको हिट करना है यहाँ पे, 7, 8, 9, 10, यस कम ऑन, 1, 2, 3, 4, लास्ट वन मोर, गुड। ये जो केबल क्रॉस वर्कआउट है ये डिफरेंट है, चेंज है, तो इसमें जो हमारी जो मसल्स में ये एस्ट्रा फैट होता है ये इसको कवर करेगा। जो ये वर्कआउट मैं ऑल्टरनेट कर रहा हूँ, आप देखना इसको करो वर्कआउट को, बहुत अच्छा मजा आएगा। इसका इसके साथ जो ऑल्टरनेट वर्कआउट है वो चेंज है, आइए आप बैठे, इसमें हम 12 रैप निकालेंगे बस, ठीक है, एंड द फुल रैप एंड 12 स्टार्ट, चलो कम ऑन, गुड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें क्लोज करेंगे, बिल्कुल आगे लेके आएंगे रोड को, इसमें हमें अब जो है ना हाफ 40 रेप्स निकालने, ओके, एंड द हाफ, कम ऑन, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, कम ऑन, 4, 3, 2, 1, लास्ट 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and the last 10 more. Yes, continue. 1, 1, 1, 1. Yes, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. अब ये चीज फील करो, आपने जो वर्कआउट किया है चेस्ट का भी, कहाँ इफेक्ट आया आपके? अपर चेस्ट पे आया। पूरा अपर चेस्ट भरा हुआ है ना? पूरा। गुड, वेरी गुड, स्टार्ट, गुड। इसमें इसमें जो जो बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, इसमें मूवमेंट पैर क्लोज रहेंगे आपके और बॉडी सीधी रहेगी, और इसके अंदर हम जो लेंगे ये देखिए, ये यहाँ से हिट करना है, ओके, और इसको बेंड करना है कोनी को, ये केबल ये करना है, ठीक है, चलो चलो, ये 1, 2, 3, 4, 5, आराम से रिलैक्स, 6, 7, 8, 1, जो मैंने आपको अभी बताया है पर्टिकुलर हम जो वर्कआउट करेंगे, इसमें 2 वर्कआउट है कंटिन्यू कर रहे हैं आप, जो करेंगे हम 12 रेप निकालेंगे फुल, उसके बाद 40 रेप हाफ, स्टार्ट, गुड, 1, 2, ये अपर चेस्ट के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, 3, कंटिन्यू, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट 2, 1, 2। अब जो क्लोज जो करा जाता है ना, क्लोज किस लिए, कि जो मसल जो है ना ये पूरी फाइबर आने चाहिए इसमें, जो एस्ट्रा फैट है वो कवर होगा, अंदर आइए, हाफ करेंगे बस ये मसल को टाइट करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
अभी जो तुमने ये सेट कंप्लीट किया है, दूसरी एक्सरसाइज, आपको कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? पंप लग रहा है, पहली बार तो कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आपका पंप अच्छा आ रहा है? बहुत अच्छा। आपको फील हो रहा है कि आप चेस्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अब मसल्स भी जो ऑटोमेटिक जो अंदर थी वो बाहर आ गई, तो इसका मतलब दिल्ली वाले ग्रेट हैं। दिल्ली वाले ग्रेट हैं। बहुत दिल से सर। चलो कम ऑन, अदर 10 लास्ट 10 यस गुड 1 2 3 4 द लास्ट वन मोर, लास्ट वन मोर, यस कम ऑन गुड रिलैक्स जल्दी आओ 1 2 3 4 5 अंदर लो, अंदर करो गुड एंड द 40 रेप्स एंड द हाफ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। जैसे ही वर्कआउट कर रहे हैं मुझे नहीं लग रहा अगली बार ये बोलेंगे सर जी आप बैंगलोर ट्रेनिंग कराने आओ, मुझे नहीं लगता कि ये बोलेंगे सर एक्चुअली मैं कहीं बिजी हूँ सर मुझे कहीं जाना है मैं नेक्स्ट बात करूँ आपसे तो मैं कभी भी बोलूँगा मैं आ जाऊँ तो ये पहले बोल देगा मुझसे कब बैंगलोर से नहीं सर मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लूँगा। मज़ा आ रहा है? ये नहीं कहने वाला हूँ। नहीं मज़ा आ रहा है? नहीं मजा तो आ रहा है, इतने दिन लग रहा था हम लोग टाइम पास कर रहे थे, वर्कआउट तो एक्चुअल में आज हो रही है। आप अकेले वर्कआउट कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, स्टार्ट फ्री बोलो जोर जोर से 5 बोलो 5 6 7 8 9 10 अभी 40 एंड द हाफ आप खुद करो 6 5 4 3 2 1 लास्ट 3 1 2 3 ये जो हम वर्कआउट करा रहे हैं एंड द फुल 12 रैप और 40 रैप हाफ, तो ये दोनों ही मसल्स रिकवर हो रही है, अपर एंड लोअर दोनों किया है हमने, और जो हमने हाफ वर्कआउट किया है एंड द स्ट्रेचिंग वर्कआउट, मसल्स पे पूरा लोड आता है तो मसल्स को रेस्ट नहीं मिलना चाहिए। क्या होता है मसल्स को, हमारी बॉडी को एक हैबिट हो जाती है सेम वर्कआउट करने की, अगर हम वर्कआउट चेंज नहीं करेंगे तो मसल ऑटोमेटिक को बाहर जब ही आता है जब हम एक अच्छा वर्कआउट करें उसको चेंज करें डिफरेंट करें और बॉडी में फाइबर भी जब ही आते हैं। तो वैसे तो आपको मज़ा आ रहा है, मस्त अच्छा वाला। और 8 7 2 6 10 अच्छा ये हमारे कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट है एंड द लास्ट वर्कआउट है ये चेस्ट का, तो इंक्लाइन केबल क्रॉस करेंगे हम। तो मैंने आपसे बोला था अभी पर्टिकुलर कि हम कोई भी डंबल यूज़ नहीं करेंगे, कोई फ्लैट बेंच यूज़ नहीं करेंगे, तो हमने खाली अल्टरनेट केबल क्रॉस वर्कआउट कराया, लास्ट वर्कआउट है इनका। उसके बाद इनसे पूछते हैं कैसा मज़ा आया नहीं आया, ठीक है स्टार्ट 7 6 5 4 3 2 एंड द लास्ट वन मोर 1 रिलैक्स गुड गुड वेरी गुड। आइए आप आइए इसके साथ आपका एक मिनट, इसके साथ जो हमने अभी ऑल्टरनेट कराया पैरला बार डिप्स लगेंगी, ज़्यादा नहीं 12 रैप निकाल लें आप, इसमें पैरला बार डिप्स लगाइए 12। इज़ अ हार्ड वर्कआउट होता लास्ट मोमेंट पे पैरेलल डिप्स का मतलब है चक दे पटे मर गया बॉडी बिल्डर। चलो कम ऑन 12 रैप, लेकिन ये भी बहुत चीटर है, देखो हेल्प ले रहे हैं, विदाउट हेल्प लेनी थी कोई बात नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट करते हैं हम स्टार्ट। चलो गुड चलो स्टार्ट चलो 1 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा स्ट्रेच करना है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर ये पकड़ेंगे चेस्ट को पुश करेंगे तो पूरा स्ट्रेचिंग होगा आपका। हाँ ये एंड द 3 सेकेंड होल्ड एंड द 1 2 3 डाउन स्टार्ट एंड द 1 2 3 डाउन यस वेरी गुड कंटिन्यू 1 2 3 डाउन फिर द लास्ट वन वो 1 2 3 डाउन। आइए अब हम पैरेलल बार डिप्स मारेंगे इसके साथ 12 रैप हैं ओके। आइए अब आप कंटिन्यू कीजिए स्टार्ट गुड 1 2 3 4 8 down 9 10 लास्ट 3 1 2 उठो लास्ट वन मो रिलैक्स चलो इजी, क्योंकि इन लोगों ने पैरेलल बार डिप्स में चीटिंग की है
कि विदाउट हेल्प होना था, इन्होंने सपोर्ट लिए इसलिए मैंने नीचे पुश किया है। तो आपको अभी चेस्ट वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो गया, तो आपको कैसा लग रहा है? सच में बहुत अमेजिंग सर। अमेजिंग, अच्छा लगा। कभी नहीं ऐसा वर्कआउट नहीं किया वैसे। तो इसी वर्कआउट को मैं जैसे इनको भेजता हूँ, इसको ऑल्टरनेट करो आप। हाँ सर, तो बॉडी शेप में आनी चालू हो जाएगी। और ये आज मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है कि मैं नेचुरल बॉडी बिल्डर बन रहा हूँ, मैं ये बन रहा हूँ। मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको, दिमाग से निकाल दो, बॉडी बिल्डिंग नेचुरल गेम नहीं है। एंड द टाइम वेस्ट, अगर हम क्रिएटिन लेवल भी ले रहे हैं तो क्रिएटिन भी नुकसान करता है, वो भी केमिकल है, वो हमारी किडनी पे इफेक्ट देगा। क्रिएटिन लेवल अगर आपका बढ़ गया, ज़्यादा हाई हो गया, तो डायलिसिस पे जाएंगे आप। पर्टिकुलर अगर 6 मील के साथ साथ अगर प्रिकॉशन लीवर के नहीं लेंगे तो डेफिनेटली लीवर भी खराब होगा। अच्छे कोच अगर आपको मिल गए, नॉलेज है, तो उसमें प्रॉपर तरीके की नॉलेज है ना लीवर। अंदर टाइम वेस्ट नहीं है कि आप डीमोटिवेट करो किसी बच्चे को, उसको इसको नहीं। मेरे अकॉर्डिंग जो कोच करा रहा है, कोच से सारी बातें शेयर करो, सारी चीज़ें बताओ कंप्लीटली। तो हमने चेस्ट वर्कआउट करा, मज़ा आया है। अभी पूछते हैं दोबारा वर्कआउट कुछ और कर सकते हैं? मेरा मन है थाई कराने का, आई लव थाई, थाई मेरी फेवरेट है। तो देखते हैं यहाँ करेंगे ना करेंगे। चलो चलो चलो, ये तीसरा राउंड है, चलो गुड। जब हम सेट ले रहे हैं ना, मसल को खींचना है पूरा, ए पर्टिकुलर यहाँ लाना है, ए लाओ, चलो ए, ये नीचे आके होल्ड करना है 2 सेकंड, 1, चलो 2 3 4 5, अब कंटिन्यू फास्ट करेंगे 10, जल्दी जल्दी 1 2 3। टी शर्ट उतारे दोनों। हमने जो वर्कआउट कराया उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में मैं बता देता हूँ, हमने जो वर्कआउट किया है, कौन से पार्ट्स का किया है, किस तरीके से किया। अभी आप इन दोनों एथलीटों को देख रहे हो, ये अभी 4 महीने बाद इवेंट खेलने वाले हैं बिग फिट। देखो वो कहते हैं ना, कोच कुछ भी कर दे, ये बर्दाश्त कर गए। देखो मैंने चांटे मारे, इनका रेडनेस हो गई है। अब ये देखिए इनका पंप आने के बाद मसल कितना अल्टीमेट लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, और पूरा चेस्ट जो मसल भर चुका है। अब यहाँ से हम इनके स्टार्ट ही कर रहे हैं, हमारे पास 4 महीने है। 4 महीने के बाद जो हमने अभी ये वीडियो बनाई है, तो अभी मैं बीच में समथिंग 15 दिन के बाद फिर आऊँगा ये, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ थाई वर्कआउट होगा और वो मैं कराऊंगा, ये वीडियो पे डालेंगे अपना थाई वर्कआउट। तो अभी हमें जो 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 अभी शेप हमें गोल नज़र आती है, अब हम इसको डे बाय डे चेंज करेंगे, डाइट प्लान चेंज करेंगे, सप्लीमेंट कौन सा यूज़ करना है, क्या करना है, पर्टिकुलर कितनी मील में कितनी डाइटें लेनी है। और दोनों ही बहुत अच्छे हैं, द फ्रंट डबल बस से बनाइए दोनों आराम से। हाँ अभी देखो, अभी थोड़ा फैटी है मसल्स, तो ये कवर हो जाएगा। मसल में देखो शेप आना चालू हो गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। फ्रंट लेट्स बेस दिखाइए, गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अब मैं आप दोनों से पूछ जाऊंगा सीरियसली, आपको वर्कआउट कैसा लगा, आपने कैसी फीलिंग आ रही है ये वर्कआउट करके? अच्छा फील हो रहा है आपको? गुरु जी मुझे ऐसे लग रहा है कि इतने दिन हम लोग टाइम पास कर रहे थे, खेल रहे थे, एक्चुअल वर्कआउट जो है आज हुई है। हाँ, क्योंकि अगर ये सोचो मैं यहाँ नहीं हूँ दिल्ली हूँ, तो आप ये सोचो गुरु जी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वहाँ से बैठे हुए। सीरियस वर्कआउट करो, चाहे 20 मिनट, जरूरी नहीं 2-2 घंटे वर्कआउट आपको करना है। 20 मिनट्स वर्कआउट बॉडी को हिला देता है। हाँ, अगर ढंग से करता है तो। अब हम इनके 15 दिन के बाद जो कपड़े उतारने वाले हैं, मैं आने वाला हूँ दोबारा नेक्स्ट 15 दिन के बाद बैंगलोर, तो 15 दिन के बाद देखते हैं क्या चेंज है इनकी बॉडी में, किस तरीके का इम्प्रूवमेंट है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मैं इनके साथ एक सेल्फी लेना चाहूँगा, ठीक है, अपने फ़ोन से, ठीक है, ओके। या आइए आप, आइए आइए दोनों आइए। गुड, एक फ़ोन लेंगे आप, मेरे फ़ोन खींचो, आप इधर आ जाओ दोनों, इधर आओ दोनों, ठीक है, वेरी गुड। ये दोनों एथलीट रेडी करेंगे अब हम 15 दिन के बाद से इनका, सुपर, वेरी गुड। थैंक यू।